नमस्ते। ये देखिए हमारे हाथ में इस समय कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा जो पानी है जल में कठोरता पाई जाती है, कठोरता अस्थाई कठोरता यानी टेम्परेरी हार्डनेस। वाटर में जो अस्थाई कठोरता होती है वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के नाते होती है, CaHCO3 twice, MgHCO3 twice। जब उसको गर्म करते हैं, पानी को हम उबालते हैं, तो ये जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये अपघटित होकर के डिकम्पोज होकर के बदल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। जो गीजर होता है जो जिससे हम पानी गर्म करते हैं, यही कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट उनके उसके एलिमेंट पे जम जाता है। ये देखिए आपका जो उसको छोड़ा रहे हैं, ये गीजर है, देखिए उसको जो है उसको छुड़ाया जा रहा है। इस पे देखिए आपका प्लाक्स के रूप में है ना, परतों के रूप में ये जम गया है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये देखिए आपका गीजर है, इसी में से निकाला गया है। और ये जो है ढेर सारा कचरा जो है, अब ये जब ये जो है ये जो इसकी जो परत होती है एलिमेंट के ऊपर जम जाती है, तो ये कुचालक होता है, मतलब आपका इंसुलेटर होता है, जिससे हीट जो है अच्छी तरह से पानी को मिल नहीं पाता, जिससे कि आपका जो गीजर की एफिशिएंसी कम हो जाती है, कार्यकुशलता कम हो जाती है, वो ज़्यादा पानी ठीक से गर्म नहीं करता है, इसलिए इसको साफ कर देना ज़रूरी होता है। आप लोग देखे होंगे पानी को अगर ऐसे ही बर्तन में किसी बर्तन में उबालें, जैसे भदेली में उबालें या टब में उबालें, तब भी जो है उसके नीचे जो है आपका जो उबालने के बाद आपका जो है सफ़ेद सफ़ेद परत जम जाती है, वो इसी की परत होती है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अरे मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत होती है, जो पानी में मौजूद कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के अपघटन के फलस्वरूप बनते हैं। धन्यवाद।